शहर के वार्ड संख्या 29 के पुष्करगंज के निवासियों ने क्षेत्र में एक परिवार द्वारा बिना स्वीकृति के आवासीय घर के बाहर पालतू जानवर पालने की शिकायत की है। शिकायत में घर के बाहर पालतू जानवर बांधने से होने वाली परेशानियों की शिकायत करते हुए पशुपालन परिवार को इस हेतु पाबंद करने तथा पालतू पशुओं को बांधने के स्थान पर किए गए अतिक्रमण को हटवाने की मांग की है। नगर परिषद आयुक्त को दिए गए ज्ञापन में क्षेत्रवासियों ने बताया कि शहर के चांदीदार रोड पुष्करगंज गली संख्या 1 में रमेश साहू पुत्र ओम प्रकाश साहू, गोविंद साहू पुत्र सत्यनारायण साहू तथा इंद्र साहू पुत्र आत्माराम साहू आदि ने बिना प्रशासन की स्वीकृति के ही अपने घरों के बाहर पालतू पशुओं को बांध देते हैं और उन्हें वहीं पर चारा पानी देते हैं, जिसके कारण दिन भर यहाँ पर आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। गलियों में आवारा पशुओं की आवाजाही के कारण आवागमन बाधित रहता है, साथ ही कई लोग दुर्घटनाकालित भी हो चुके हैं। ज्ञापन ने बताया गया कि इन परिवारों ने बिना से फटी टैंक की ही लेट बात बना रखे हैं, जिसका सीधा कनेक्शन नाली है, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में गंदगी फैलती है और क्षेत्र में मच्छर मक्खियों की भरमार रहती है, जिसके चलते क्षेत्र में मौसमी बीमारियां भी फैल रही है। वार्ड वासियों ने बताया कि इस बाबत इन परिवार से बातचीत की जाती है तो वे लोग लड़ाई झगड़े पर आमादा हो जाते हैं। ज्ञापन में क्षेत्रवासियों ने बिना स्वीकृति के पशु पालने वाले इन परिवारों को पाबंद करने तथा आम सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में पार्षद रेखा कुमावत, निर्मल सिंह, दलजीत कौर, जगजीत सिंह, रमेश कुमार, कुलजीत कौर, पुष्पा देवी, राजरानी तथा कुलदीप सिंह सहित आदि शामिल थे। वार्ड नंबर 29 से सिख समाज के लोग आयुक्त साहब को एक ज्ञापन देने आए, साथ से रेखा जी की मौत के साथ में। वहाँ एक व्यक्ति विशेष है जिन्होंने वहाँ पर गाय पाल रखी है, भैंसे पाल रखी है, और जहाँ तक भी हमें पता चला है कि उन्होंने अपना सेफ्टी टैंक भी नहीं बना रखा, उसको भी नाली में खाली कर रखा है। और जबकि ये कानूनन अपराध है इस श्रेणी के अंदर, तो ये आप भरी बस्ती के अंदर ऐसा सेफ्टी टैंक को नाली में डायरेक्ट नहीं छोड़ सकते, और गायों की वजह से वो आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन लोग छोटी गए हो रहे हैं, उसके बावजूद उसमें कहते तो दादागिरी करता, सुनवाई नहीं करता, आए जैसे गाली गलौज करना कि उन्हें आम पैसा बना रखा है। तो हमने कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, इस आदमी को पाबंद किया जाए। चेहरे पर उनकी आएगी खुशी और हो जाएंगी सारी शिकायतें गुम। अपने हीरे को पहनाइए हीरा और कहिए हीरा हो तुम। हीरे के गहनों की कीमत पर पाइए 20% तक की छूट। आज ही विजिट करें तनिष्क ज्वेलर्स, सिटी सिनेमा रोड, नियर मिशन ग्राउंड, ब्यावर। शर्तें लागू। चेहरे पर उनकी आएगी खुशी और हो जाएंगी सारी शिकायतें गुम। अपने हीरे को पहनाइए हीरा और कहिए हीरा हो तुम। हीरे के गहनों की कीमत पर पाइए 20% तक की छूट। आज ही विजिट करें तनिष्क ज्वेलर्स, सिटी सिनेमा रोड, नियर मिशन ग्राउंड, ब्यावर। शर्तें लागू।